इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट दौरा। आपको बता दें कि बालाघाट में आभार यात्रा और विभिन्न कार्यों का करेंगे लोकार्पण। छिंदवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट दौरा। आपको बता दें कि बालाघाट में आभार यात्रा और विभिन्न कार्यों का करेंगे लोकार्पण। छिंदवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण सक्सेना चैनल हेड जुड़ गए हैं। सर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट दौरा है, बालाघाट में आभार यात्रा और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? रूप से चूंकि राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए और आगामी माहों में जो है निश्चित रूप से लोकसभा की तैयारी है, संकनाद है, डबल इंजन की सरकार को सुचारू करने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी जो है कड़ी में अनवरत यात्रा कर रहे हैं। आज वो इसके तहत जो है बालाघाट पहुंचेंगे, वहां पे आभार यात्रा वो निकालेंगे, इसके बाद वहाँ विभिन्न कार्यों का जो जन हितैषी कार्य है उनका लोकार्पण करेंगे और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विकास जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, विकास जो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया, उन सबका बखान करते हुए उन सब योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ जो चीजें निकल के आती हैं, यदि गलियारों से व्याप्त चर्चाओं में हम बात कर लें, उसके बाद छिंदवाड़ा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। चूंकि पिछले कई दिनों से एक एपिसोड चल रहा था जिसका पटाक्षेप हालांकि हो चुका है, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ का गढ़ है तो वहां पे जाके स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। अभी भी कहीं कोई इस तरह की चीजें खत्म नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बड़े बड़े जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो हो सकता है कि इस तरह की भी कोई चर्चा वहां पे हो सके। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।